किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनटू 1000 इनटू 100 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 1000। अब देखना आपके को फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 120 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप किस जगह खड़े हो? ये देखो सेंटीमीटर कन्वर्ट किस साइड जाना है अपने को, लेफ्ट साइड। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करना होगा? 100 से। तो 120 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, टू से कैंसिल होगा, सिक्स और फाइव, आपका जो आंसर हो गया 6/5 मीटर। ओके, नेक्स्ट है मीटर। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। तो 2250 डिवाइडेड बाई 1000 से डिवाइड करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? किलोमीटर में, जीरो से जीरो। अब यहाँ देखना है कि डायरेक्टली करो तो ये हो जाएगा कि 12 डिजिट छोड़ के आपको क्या लगाना है, 2.25 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। यहाँ देखना है 50 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 10, तो 50/10, 10 अपॉन में लिखते हैं किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर में। तो जीरो से जीरो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। मीटर को किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, तो 9500 डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करते हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में, 10 से 10, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो। अब देखो या तो वन डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 9.5 किलोमीटर, या फिर क्या करते हैं 95 को किससे डिवाइड करोगे? 10 से, ये किससे कट जाएगा? 5 से, 90/2 किलोमीटर। अब 90 को 2 से डिवाइड करो तो 9.5 किलोमीटर ही आएगा, क्वेश्चन है अपना 150 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर कहाँ हो, सेंटीमीटर कहाँ मीटर में जाना है, क्या कितना किराया देना है? 100 rupees किसके रूप में? डिवाइड के रूप में, तो 150 डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड करते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में, जीरो से जीरो, या तो वन डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 1.5 मीटर, या फिर क्या हो जाएगा
16 अपॉन 10 है, ये 5 से कैंसिल होगा तो 3 अपॉन 2 मीटर। अब 3 अपॉन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 मीटर ही आएगा। लास्ट क्वेश्चन है 1/175 डिवाइडेड बाय mm, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो डिवाइडेड बाय 10। अब देखो वन डिजिट छोड़ो, 1.175 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है बेटा कि द डिस्टेंस, दूरी ऑफ स्कूल फ्रॉम कविताज होम, कविता के घर से स्कूल की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर, हाउ मच डिस्टेंस, कितनी दूरी सी कवर्स टू गो टू स्कूल एंड रिटर्न टू होम। स्कूल द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम कविताज होम, कविता के घर से, तो यहां देखो कविताज होम और ये कविता की स्कूल। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर 300 मीटर। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये समझना है कि कविता के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर 300 मीटर, तो जब कविता घर से स्कूल और स्कूल से घर आती है, अरे समझ रहे, यहाँ से लेकर के स्टार्ट होकर वो यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आती है, तो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो सीधी सी बात है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 7 किलोमीटर 300 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो यही होगी ना, जितनी दूरी वह स्कूल जाने में, घर से स्कूल जाने में तय करती है उतनी ही दूरी उसको स्कूल से घर आने में तय करनी होगी, तो कितनी हो जाएगी दूरी, जस्ट इट डबल। तो देखते हैं डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम कविताज होम, कविता के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है 7 किलोमीटर 300 मीटर। अब ये कह रहा है कि वो डिस्टेंस से घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में भी उतनी ही दूरी तय करनी होगी, तो क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ कविताज होम फ्रॉम स्कूल इज इक्वल टू 7 किलोमीटर 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस सी कवर्स टू गो टू स्कूल एंड रिटर्न टू होम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इन दोनों का 8 मीटर 006 किलोमीटर 7 × 14 किलोमीटर 600 मीटर। आया समझ में बेटा, ये कविता अपने घर से स्कूल जाती है 7 किलोमीटर 300 मीटर, अब स्कूल से वापस घर आती है तो डिस्टेंस बढ़ थोड़ी जाएगी, उतनी होगी जितनी जाने में, डिस्टेंस तो उतनी होती है, समय जरूर कम ज्यादा हो सकता है, क्यों, धीरे चलोगे ज्यादा समय लगेगा और तेज चलोगे कम, तो टाइम आपका चेंज हो सकता है, बाकी डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलती है। मंजूज विलेज, मंजू के गांव से 46 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम सिटी, मंजू
का गांव सिटी से 46 किलोमीटर दूर है। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस एक दूरी ऑफ 32 किलोमीटर 600 मीटर, यानी कि 32 किलोमीटर 600 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी तय करने के बाद हर बस इज आउट ऑफ ऑर्डर, उनकी बस ने हर बस इज आउट ऑफ ऑर्डर, हाउ मच डिस्टेंस कितनी दूरी, कहने का मतलब उसके घर से मंजू के घर से सिटी जो है 46 किलोमीटर दूर है, उन्होंने बस से 32 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी बस के द्वारा तय कर ली, उसके बाद में कितनी दूरी और उनको तय करनी है, इसके लिए करना होगा अपने को सबट्रैक्ट। तो सॉल्यूशन बाय बस, बस के द्वारा कितनी ट्रेवलिंग की गई इज इक्वल टू 32 किलोमीटर और 600 मीटर। अब देखो यहां मीटर कुछ भी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 0 0। डिस्टेंस is remaining 2 travel is equal to minus 0 में 6, 0 में 0 minus करोगे 0, 0 में 0 minus करोगे 0, 1 इससे बोल रहे होगे 10, यहां 5, 10 में 6 minus करोगे 4, किलोमीटर किलोमीटर, 5 में 2 minus करो 3, 4 में से 3 minus करोगे 1, 13 किलोमीटर 400 मीटर डिस्टेंस इज रिमेनिंग टू ट्रेवल, उनको इतनी दूरी की ट्रेवल और करनी है। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे।